कितने परसेंट मर्दों को शादी के समय लड़की के परिवार से महंगे गिफ्ट्स लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तो आइए देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। ये मैंने काम्या को कॉपी कर दिया, आई डोंट माइंड। 60% जेंटलमैन। तो आपने 70 बोला है, मतलब गिफ्ट देने वाले और लेने वाले ऑब्वियसली अलग अलग है भाई। ये इंडिया की सोच है, क्यों हम उसको बदल ही नहीं सकते। हम जितना भी कह लें कि यार हमें दहेज नहीं चाहिए, दहेज नहीं चाहिए, पर एक्चुअली में अंदर से लोगों को दहेज चाहिए होता है। अभी जो डर है वो सिर्फ लॉ का डर है कि लड़की वाले कुछ करना दें, इस वजह से थोड़ा सा चुप हो जाते हैं। वरना अगर मैं करूँ तो 90% भी दूँ उसको कि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 100 दे देता। Really? मेरा दोस्त है, उनकी कास्ट है, जहाँ पर लड़के को तोलते हैं कि उसकी एजुकेशन में कितना पैसा लगा, वो उसका वेट कितना है। या और मैंने उससे वैसे क्वेश्चन किया कि भाई तुम्हें लगता नहीं तो लड़की पे ज्यादा प्रेशर डाला है? कह रहे नहीं यार, उसी के लिए तो आ रहा है। मैंने कहा उसके लिए नहीं आ रहा, ये तेरे लिए आ रहा है क्योंकि तू मांग रहा है। करेक्ट। मेरी तरफ तो 100% है सर, जहाँ से मैं हूँ बिहार से, और दहेज वहाँ पे लोग बोल के लेते हैं। कैसे सिस्टम दोनों तरफ से है, वो आपके नौकरी पे भी पहले डिपेंड करता है कि आप कौन सा जॉब करते हो। okay. उसके बाद आपका दहेज का पैसा बढ़ता जाएगा। और दूसरा ये भी है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी अपनी बेटियों को बेचते हैं। उनको ये नहीं है कि गरीब है तो किसी गरीब में शादी कर दे। जी। जितने पैसे वो लेके दौड़ते रहते हैं कि भाई ले लो और दे दो, और वहां ये चलता है। तो मेरे हिसाब से तो 100% लिखना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपनी दोनों बहनों की शादी ऐसी ही की। प्लीज एडिट मत करना इसको, ये सच है। They wanted दहेज। या नहीं तो नहीं होती। आपने ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे एक पहल करूँ और मैं ये चीज ना करूँ? मैंने कोशिश की, मैं मुंबई में था, मैंने कॉल करके पापा को बोला कि आप पुलिस में जाओगे। पापा बोलते तुम किसको किसको भेजोगे? तो मैंने बोला फिर मैं आऊ ही क्यों ऐसी शादी में। तो वहाँ ये हुआ कि तू कमा रहा है वहाँ पे, तू वहाँ पे बहुत बड़ा आदमी है, तुझे करना पड़ेगा। तो मेरी आधी कमाई तू दोनों की शादी में चली गई। But are they happily married today, your sisters? They are literally. No, thank God. मतलब जितना पैसा दोगे उतनी खुशी मिलेगी। अरे इससे कुछ खुशियों का पैसे से कोई मैटर नहीं है। But I think you've allowed it here. No, मैंने allowed नहीं किया। लेकिन आप शामिल हो गए। मैंने अलाउड नहीं किया, मैं वही बता रहा हूँ। पहल तो करो, मुझे लगता है पहल तो करिए। मैं अपनी बहन की शादी की बात कर रही हूँ, खुल के कह रही हूँ। इतनी डिमांड्स आई थी कि इतनी रिस्पेक्ट तो दोगे ना कि आप हमारा स्टे करो, आप हमारा ये कर लो, आप सबको कुछ कवर दे दो, कुछ पहिए दे दो। मैंने क्लियरली मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। अब चाहे शादी होती है तो हो, नहीं होती है तो ना हो, मेरी खुद की भी बेटी है, मैं आगे जाकर भी ये चीज़ नहीं करूँगी। और मैंने वो स्टैंड लिया और इतनी स्ट्रांगली लिया, वो शादी नहीं हुई, वो शादी नहीं हुई, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। कम है क्योंकि यू आर अर्निंग। और वो लोगों का सोचो जो कुछ कमाते नहीं है, जिन पे प्रेशर डाला जाता है पेरेंट्स का भी कि तुम्हें शादी तो करनी है, बाकी सब हम देख लेंगे। नहीं, मैंने अपनी बहन पे बिल्कुल प्रेशर नहीं डाला। इनफैक्ट प्रेशर ये डाला कि अगर ये डिमांड आई तो ये शादी नहीं होगी, मैंने ये प्रेशर डाला। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, और सबके साथ यही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन में ना एक मेंबर चाहते हुए भी यू कैन नॉट ओवर पावर। क्या है कि लाइफ इज नॉट अ मूवी जहाँ पर यू नो आप स्क्रिप्ट लिखकर किसी को हीरो बना सकते हैं। देर आर स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक यू, पीपल लाइक यू, हु कैन टेक इंडिपेंडेंट स्टैंड, एंड दैट्स अ चेंज। बट ये सब होने के बावजूद विशाल ने यहाँ पर उस चीज का जिक्र किया और ये भी कहा कि प्लीज इसे एडिट मत करो, ये बताओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेलकम चेंज। In my personal experience, when I got married, I wanted to give Ritesh a car because I wanted it to be the car that I thought he didn't have. But when I had given it to him, I remember his dad's words. He said, give it back. The same money that she has, let her put it in her fixed deposit for herself. And right. So beautiful. And that in itself is a change, you know, at a large level. I think ye ek sad reality to hai. तो यू नो ये तो रहा 70% और 60%। आइए देखते हैं इंडिया क्या सोचती है। इंडिया का जवाब है कि 60% मर्दों को शादी के समय लड़की के परिवार से महंगे गिफ्ट लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिफ्ट मिलता है देने वाले के मर्जी से, जो लेने वाले के मर्जी से मिले उसे एक्सटॉर्शन कहते हैं, एंड दिस इज अ क्राइम। Only on Flipkart Video. Watch, play, win now.